हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी वेरी वेल। टुडे वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.3 ऑफ आवर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8। सो स्टूडेंट्स, कोविड-19 के कारण अभी जो स्प्रेड हुआ था बरेली में, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मिलने लगे थे, इस कारण से हमने थोड़ा डिले कर दिया था। तो 2-3 दिन आपको बीच में वीडियोस नहीं मिल पाई हैं, सो डोंट वरी। लेकिन हमने फिर से क्लासेस ऑन कर दी हैं और आपको अब रेगुलर वीडियोस मिलना चालू हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, 2.3 को करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर हमसे कुछ सम्स नहीं बने हैं जो कि आपने असाइनमेंट में दिए हुए थे। तो असाइनमेंट्स वाले सम्स के साथ साथ कुछ आपके एक्सरसाइज 2.2 के भी कुछ लास्ट के सम्स रह गए थे, तो उनको भी मुझे आपको बताना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट द 2.2 रिमेनिंग सम्स, देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3। ओके, अभी 2.2 के रिमेनिंग सम्स हैं 15 नंबर का। आई थिंक 15 नंबर का जो सम था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कुछ कोई बच्चों को, तो वो देख लें। यहाँ पर आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइंस ऑफ डिनोमिनेशन। किसी के पास ₹300 टोटल है, ₹300, और वो किस फॉर्म में है? डिनोमिनेशन ऑफ इस फॉर्मेट में है, ₹1 के कॉइन है कुछ, फिर ₹2 के हैं और ₹5 के हैं। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइंस इज 3 times नंबर ऑफ ₹5 कॉइंस। जो आपके 2 रुपीज के कॉइन्स हैं वो 5 रुपीज के कॉइन्स से 3 times है, मतलब 3 गुने हैं उसके। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, और टोटल जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं अपने पास नंबर में? 160। हाउ मैनी कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, उस व्यक्ति के पास है ना, मेरे पास या उस व्यक्ति के पास कितने टोटल डिनोमिनेशन में कितने रुपए के कितने कितने कॉइन है, ये अपने को फाइंड करना। तो लेट, पहले जो दिया गया वो मानते हैं ना, लेट ऐसा गिवन ले लो, गिवन टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना दिया, मनी है उनके पास कितना, ₹300, ऐसा सही होगा मैडम रुपीज का, ठीक है। फिर ₹1, ₹2, and ₹5, द नंबर ऑफ ₹2 पॉइंट इज 3 times ऑफ द नंबर ऑफ ₹5। अब मान ले रहा है, लेट ₹5 आर एस लिख सकते हैं आप, ₹5 कॉइन बी एक्स कितने हैं, एक्स, देन ₹2 कॉइन पॉइंट विल बी 2x, ठीक है ना, 2x होंगे। अब यहां पर देखना है क्या देखना है, यहां पर देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा आपका, यहां पर देखिएगा कि अच्छा एक चीज और देखना आपको, देखो ₹1 के पॉइंट हो गए, ₹2 के पॉइंट हो गए, है ना, ₹2 पॉइंट बी 3x है, क्योंकि 3 times है ना। अब अपने वो ₹1 के पॉइंट हो गया है ना, तो देन ₹1 पॉइंट कैसा लिखना, नंबर ऑफ ₹1 पॉइंट इज कितना होगा, देखो टोटल जो कॉइन है वो कितने, 160। अब टोटल 160 कॉइन है, हमने ऐसा मान लिया कि ₹5 के x हैं और आपके जो ₹2 के हैं वो 3x हैं। तो अब अपने को निकाल ले लेते हैं, तो बाकी के 160 कॉइन्स में से यदि मैं ₹5 के कॉइन्स और ₹2 के कॉइन्स को क्या कर दूं, माइनस कर दूं, है ना, माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या रहेगा, ₹1 कॉइन, है ना, इतनी ये कितना हो जाएगा, 160 माइनस 2x हो गए, ठीक है ना।
160 माइनस 4x मेरे पास क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ये, ये मेरे पास हो जाएंगे 1 रुपीस के कॉइन। अब यहाँ पे लिखना अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, टोटल जो कॉइन्स हैं उन सबको जोड़ करके मेरे पास कितने टोटल अमाउंट हो रहा है, कितना मनी हो रहा है वो देखना मेरे को। तो यहाँ देखिए मेरे पास देखो x जोड़ा मैंने, x मतलब 2 रुपीज को 5 रुपीज को, और 3x जोड़ा मैंने, इट मीन्स कितना हो गया 2 रुपीज को कॉइन हो गया है ना, और 160 माइनस 4x जोड़ा ये 1 रुपीज को कॉइन हो गया, टोटल मेरे पास अमाउंट हो गया 300। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो देखिए 4x और ये 4x, ठीक है। लेकिन यहां पर मेरे को देखना एक चीज है कि ये तो नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ये तो नंबर ऑफ पॉइंट्स है और ये नंबर ऑफ रुपीज है, तो पहले मेरे को पॉइंट भी क्या करना पड़ेगा, पॉइंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रुपीज की वैल्यू, इट मींस मेरे पास जो x है वो किसके हैं 5 रुपीज के, प्लस जो मेरे पास 3x है वो कितने के हैं 2 रुपीज के, प्लस मेरे पास जो 160 माइनस 4x है वो कितने रुपीज के हैं 1 रुपीज के, बात समझ में, ठीक है ना। अब टोटल मेरे पास रुपीज कितने हो रहे हैं 300, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये जाएगा मेरे पास 5x प्लस 3 2 जा 6x प्लस कितना हो जाएगा 360 माइनस 4x इज इक्वल टू 300, ओके। नाउ ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 11x माइनस 4x, ठीक है, तो हमें टोटल 7x 11x माइनस 4x 7x इज इक्वल टू 300, ठीक, माइनस कितना हो जाएगा 160, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा यहां पे मान लें 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 160, इट मींस इट विल बिकम 140, x इज इक्वल टू 140 बाय 7, 7 माइनस 7 7 टू ना, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 20, ठीक है। अब जो x है वो 20 आ गया, 20 मतलब x क्या था मेरे पास, x इज द नंबर ऑफ 5 रुपीस कॉइन है ना, तो 5 रुपीस कॉइन भी x कितने थे, x थे, तो 5 रुपीस कॉइन कितने आ गए, x आ गए, इट मींस यहां पर इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, आपने नोट कर लिया, अब आगे का लिखना है ना, इसको मैं इरेज करने वाला हूं, आप लोग पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब अपने को करना क्या है, फाइंड करना है, क्या करना है, हेंस नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन विल बी कितना हो जाएगा 20 हो गया, एक्स इज इक्वल टू 20 आया था। अब हमें करना क्या है कि जो 5 रुपीज के कॉइन थे वो अपने पास कितने 20 है, हम अपने को निकालना है नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन है ना, नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज इक्वल टू 3x था, तो 3 मल्टीप्लाइड 20, ये कितने जाएंगे 60 पॉइंट्स किसके हो गए 2 रुपीज से, फिर अपने को क्या नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन ये कितना हो जाएगा 160 माइनस 4x था, ठीक है, तो कितना रहेगा 160 माइनस 4 मल्टीप्लाइड कितना रहेगा 20, इट मींस 160 माइनस 80 इट विल बिकम 80 पॉइंट्स, ठीक है ना, 1 रुपीस के पॉइंट्स कितने हो गए 80, तो आप ये नोट कर लीजिएगा, ये डिनोमिनेशन सारे है ना, हाँ इसको डिनोमिनेशन भी बोलते हैं, मतलब डिनोमिनेशन का मतलब क्या होगा, कितने रुपए के कितने के कितने कितने सिक्के है ना, डिनोमिनेशंस ऑफ 5 रुपीस कॉइंस, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, नंबर ऑफ भी लिख सकते हैं, डिनोमिनेशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन कॉम्पिटिशन डिसाइडेड दैट द विनर इज द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइस ऑफ 100 रुपीज एंड पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइस 25 रुपीज। ठीक है, जो जीत रहा है उसको, एक कॉम्पिटिशन हो रहा है उसमें जो जीत रहा है उसको 100 रुपीज का प्राइज मिल रहा है और जो नहीं जीत रहा है उसको कितना मिल रहा है 25। ठीक है, द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3000 और जो टोटल प्राइज मनी बटी हुई है, जो जितना रुपए खर्च हुआ है ना प्राइस पर, वो कितना था 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं अपने को विनर्स निकालते हैं, है ना। तो यहां पर आप लिखिएगा लेट द नंबर ऑफ विनर्स ठीक है, यहां पर लिखेंगे टोटल प्राइस मनी कितनी है, टोटल प्राइस मनी कितना है आपका 3000। लेट द नंबर ऑफ प्राइस मनी विनर्स, जो जितने जीत रहे हैं वो कितने हैं एक्स हैं, तो जितने नहीं जीत रहे हैं वो कितने, टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं 63। तो द नंबर ऑफ नॉट विनर कितना हो जाएगा 63 माइनस एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, जो जीत रहा है उसको कितना मिल रहा है 100 और जो नहीं जीत रहा है उसको 25, मतलब इनको मिलेगा 100 और इनको मिलेगा 25। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, एक्स मल्टीप्लाइड 100 प्लस, ठीक है, जो नहीं जीत रहा उनको 63 माइनस एक्स इज इट मल्टीप्लाइड 25, टोटल प्राइस मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 3000। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कितना 100x प्लस 63 मल्टीप्लाइड 25 ये हो रहा है आपका 5, 7। ठीक है, माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। ओके, 100x माइनस 25x इज इक्वल टू 75x इज इक्वल टू, ये आपका हो रहा है कितना 3000 माइनस 75 कितना हो रहा है 75x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना 1425। ठीक है, तो x इज इक्वल टू निकालना आपने को, तो कितना हो जाएगा 1425 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, करके देखते हैं इसको कितने से 15 5 या 75। ठीक, फिर 15 से ही करेंगे इसको, तो 15 7 जा कितना होगा 15 7 जा नहीं 15 9 जा करके देखते हैं, 15 9 जा 135। ठीक है, कितना बचा 7, 15 5 जा 75, फिर 9 को करके देखते हैं 5 से 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 9 जा 45। तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 19 आपके 19। नॉट विनर्स है वो कितने हैं, नंबर ऑफ, यहाँ पे ऐसे लिखना आपको ना, नंबर ऑफ विनर्स कितने हो जाएंगे इज इक्वल टू 19। नंबर ऑफ नॉट विनर कितना हो जाएगा 63 माइनस एक्स का, तो 63 माइनस 19 इट विल बिकम कितना हो जाएगा 63 माइनस 19 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 44।
ओके सो दिस इज द आंसर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2.3 बाय यूजिंग सिंपल ऑपरेशंस ऑफ अलजेब्रा। एक्सरसाइज 2.1 में जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे, लीनियर एक्सप्रेशन है ना, तो लीनियर एक्सप्रेशन में क्या था कि हमको एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जैसे कि मेरे पास था 2x + 3 = 8, सपोज लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये जो 2x है ये कौन सी टर्म है, मेरी वेरिएबल वाली टर्म है ना, और ये वाली मेरी कॉन्स्टेंट टर्म। तो मैं क्या करता था, वेरिएबल को एक तरफ और कॉन्स्टेंट को एक तरफ, तो 8 - 3 कर लिया, 2x = कितना हो गया 5, सो देन x = 5/2। इस तरीके से मैं वैल्यूज लेकर के आता था। तो वही ऑपरेशन मेरे को कहाँ करना है, 2.3 में करना है। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने के साथ, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के साथ साथ मेरे को एक काम और करना है कि मुझे उस इक्वेशन को प्रूफ करके देना है कि क्या ये जो वेरिएबल की वैल्यू आ रही है उसको यदि मैं इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या मेरा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है, LHS = RHS आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो उस चीज़ को हम प्रूफ भी करेंगे। ओके सो नाउ स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। 3x = 2x + 18। ओके तो मैं क्या करूंगा, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन, यहां पर देखिएगा 3x - 2x = 18, देन 3x - 2x कितना है, x = 18। अब हमें क्या करना है, चेक योर रिजल्ट है ना, तो चेक रिजल्ट यहां लिखेंगे, चेक रिजल्ट, ठीक है ना, चेक रिजल्ट क्या लिखेंगे यहां पर, ऑन पुटिंग x = 18, ठीक है ना, x = 18, x की वैल्यू कितनी 18 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन मेरी जो जनरल इक्वेशन जो मेन इक्वेशन थी वो कितनी थी, 3x + 2x = 2x + 18, ठीक है ना। तो ये x की वैल्यू कितनी लगनी है 18, 2 × 18 + 18, ओके। यहाँ पर देखिए ये कितना हो रहा है, 18 × 3 = 54, ठीक है, ये कितना हो रहा है 18 × 36 + 18, ठीक है ना, बोर्ड मास लगाए कि पहले मल्टीप्लाई देन प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए आगे से लिख लेना, 54 = 36 + 18 कितना हो रहा है 54 = LHS = RHS, ओके। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने सॉल्व कर दिया और रिजल्ट भी चेक कर लिया कि अगर हम x = 18 रख रहे हैं इस इक्वेशन में, LHS = RHS आ रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर सही है ना। अब हम नेक्स्ट करते हैं, कुछ सम्स आपको करने हैं। यहां पर एक और बता रहा हूं मैं आपको, 5t - 3 और 3t - 5, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था, वेरिएबल वेरिएबल वाली टर्म एक तरफ और कांस्टेंट कांस्टेंट एक तरफ, क्या करेंगे, 5t इसको इस तरफ लाएंगे, 3t उस तरफ प्लस का है, इस तरफ आएगा तो कैसा रहेगा, -3t और माइनस का 5t है, ये इस तरफ जाएगा ये प्लस का 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2t = -2, t = -1, ठीक है, -1, ओके। नाउ
चेक रिजल्ट, चेक रिजल्ट में क्या होगा, पुट टी इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन कौन सी है, 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे कितना रखेंगे, माइनस 1, ये माइनस 1 कैसे आ गया, यहाँ देख लीजिएगा इसको डायरेक्टली मैंने कर दिया, t इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 बन जा 2, है ना, तो t इज इक्वल टू कितना आ रहा था, माइनस 1, ठीक है। अभी चेक रिजल्ट करेंगे, पुट t इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन, तो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड माइनस 1 और माइनस 5, यहाँ देखिएगा माइनस कितना हो जाएगा, 5 वन जा माइनस के 5, माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस 5 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन फिर किसका आता है, माइनस 3 आता है, तो माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ओके, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको असाइनमेंट में, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4z + 3 6 + 2z, ओके, यहाँ पर z वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, 1 ट्रांसपोजिंग, है ना, 4z माइनस का 2z इस तरफ आ जाएगा, 6 माइनस का 3, ठीक है ना, 6 और ये प्लस का 3 इस तरफ गया तो माइनस का, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑन ट्रांसपोजिंग, ठीक है, ये ट्रांसफरिंग, तो ये कितना जाएगा, 4z माइनस 2z और ये आ जाएगा आपका 3, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। ऑन चेकिंग द रिजल्ट, यहाँ लिखेंगे चेक रिजल्ट, ठीक है, चेक रिजल्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, ये जाएगा इक्वेशन क्या थी आपके पास, 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z, यहाँ पे आप रखेंगे 4z की वैल्यू कितनी रखेंगे, 3/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड 3/2, देखिए 2 2 4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 3 2 मल्टीप्लाइड 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3, कितना हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 तो 9 इज इक्वल टू 9, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ओके, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करा रहा हूँ, बाकी 5th आपको करना है, ईजी है सब, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड, है ना, यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 3/2, ठीक है, ऐसा लिख देना ये लाइन एक बार, अब देखिएगा नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 8x + 4 3x - 1 + 7, ठीक, 8x + 4 = 3, इसका मल्टीप्लाई करा, -3 + 7, ठीक है, 8x + 4 3x - 3 और प्लस, ये कितना है प्लस का 4, तो 8x - 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और इस तरफ का ये आएगा तो माइनस का 4, तो ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे इक्वेशन में तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो देखना है, ठीक है, चेक रिजल्ट, कितना हो जाएगा, 8x + 4
3x माइनस 1 प्लस 7, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 8, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, है ना, ऑन पुटिंग द, यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है ना। ये 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 0 आ रहा था, 0 डिवाइड बाय 5 गया, तो 5 से 0 टाइम्स गया। अब यहाँ 8 मल्टीप्लाइड 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 3, 0 माइनस 1 प्लस 7, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, भाई 0 टाइम हो जाएगा प्लस 4 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और ये 0 माइनस 1 इट मीन्स माइनस 1, तो 3 मल्टीप्लाइड माइनस 1 प्लस 7, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा माइनस 3 प्लस 7, माइनस 3 प्लस 7, तो माइनस 3 प्लस 7 का मतलब भी क्या होता है 4 इज इक्वल टू 4, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। भाई यहाँ पर ये देख रहा है, जीरो में से माइनस का बन गया तो माइनस वन आएगा, है ना, और यहाँ पर ये माइनस, अब माइनस वन का मल्टीप्लाई 3 होगा, माइनस 3 प्लस 4, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 4, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इसको चेक आपको करना है, ठीक है, x इज इक्वल टू 4/5 x प्लस 10, ओके, यहाँ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ये अपॉन में है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा 4x प्लस 10, ये कितना हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 40, ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है ना। अब x इज इक्वल टू 40 रख के आप देख लीजिएगा आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 8 को मैं 2x प्लस 3 प्लस 1 7x डिवाइडेड बाय 15 प्लस 3, ठीक है, यहां पर लीजिएगा इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना है क्या करेंगे, इनको पहले ट्रांसफर कर लें, कर लो 2x बाई 3, इसको इस तरफ लाएंगे माइनस का 7x बाई 15 इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ठीक है, इजीली इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, या तो आप पहले एलसीएम से भी कर सकते हैं, एलसीएम से नहीं करना तो वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ और विदाउट वेरिएबल एक तरफ, यहाँ पे करेंगे आप कितना होगा एलसीएम आएगा आपका 15, ये कितना हो जाएगा, ये रहेगा 5 टाइम रहेगा 5 टू 10 एक्स माइनस 7 एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये रहेगा आपका 7 एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 7 एक्स 3 एक्स इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 2, 15 का मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस हो जाएगा तो 3 एक्स इज इक्वल टू 30, एक्स इज इक्वल टू 30 बाई 3, एक्स 3 टाइम या एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है, दिस इज आवर। ओके, अब चेक करेंगे रिजल्ट, यहाँ पे चेक रिजल्ट में क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 10 लगेगा तो इक्वेशन क्या है मेरे पास 2x बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x 15 प्लस 3, कितना हो जाएगा ये 2, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी 10 लगेंगे बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड 10 बाई 15 प्लस 3, देखिएगा ये रहेगा आपका 20 बाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 70 बाई 15 प्लस 3, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कैरी 1 कैरी 1 इसको चलाना अपने को, क्या करेंगे यहाँ पर 3, ये रहेगा आपका कितना 20 प्लस 3, ठीक है, एलसीएम लेने पर 3 को डिवाइड करेंगे 1 से, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 1 में, फिर यहाँ पर देखिए कैरी इसका जो एलसीएम आया 15 70 प्लस
45। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो रहा है आपका 23/3, ठीक है, ये हो रहा है आपका 115/50। अब आप कहेंगे सर इक्वल नहीं आ रहा, इक्वल क्यों नहीं आ रहा, इसको देखिए काट के देखिएगा 5 3 जा, ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 50, तो आ गया कि नहीं आ गया ये, इसको 5 से अगर मैं काट दूं तो ये इक्वल इक्विवेलेंट आएगा इसके, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा 23/3 के 23/3, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है भाई, मैंने इससे 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो इक्वल आ गया कि नहीं आ गया भाई। नंबर्स को तुम कर सकते हैं, अगर मैं 4/8 को मैं लिख सकता हूँ 16/30, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि 4 4 जा 4 8, ठीक है ना, तो ये कोई ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9, उसके बाद आपको करना है 2y+5/3 और 26y3-y, ठीक है, 2y देखिए आप सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, है ना, 2y ये y प्लस करना होगा तो प्लस का y इज इक्वल टू 26y3 -5/3, ओके इजी है, 3y हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा 3, ये हो जाएगा 26-5, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 21/3, ठीक है, अब y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 21/3 और मल्टीप्लाइड में फिर 3, 7 टाइम्स जाएगा, y इज इक्वल टू 7/3, अब इसका चेक रिजल्ट आपको करना है, ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS आपको लेकर के आना है। सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज इसका चेक रिजल्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं बता दे रहा हूँ, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 7/3 इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, इक्वेशन क्या है आपके पास 2y+5/3 26y3-y, तो 2y+y की वैल्यू रखनी, y की वैल्यू कितनी है 7/3, 7/3+5/3 और 26y3-7/3, ठीक है, यहाँ देखिएगा ये कितना हो रहा है 14/3+5/3 और ये हो रहा है 26-7/3, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, ये हो जाएगा 14+5 और ये हो जाएगा आपका कितना 26-7/3, ये हो रहा है आपका 19/3 और ये भी हो रहा है आपका 19/3, तो LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है क्लियरली, ठीक है, सो टुडे वी हैव टू कंप्लीट इट अवर एक्सरसाइज 2.3 और इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन, 2-3 टाइप के क्वेश्चन छूट गए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको मैंने असाइनमेंट में दिए, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एक पैटर्न आपको बता चुका हूं, सभी इसी बेस पर आपको करने हैं, ट्रांसफर करके इजीली वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, उसको एक्सरसाइज जो आपकी एक्सप्रेशन है उसमें पुट कीजिए, इक्वेशन में पुट कीजिए और LHS इज इक्वल टू RHS ला के आप रिजल्ट को चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, यदि अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं ऑन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। सो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे, जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।